शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली NCR में मंगलवार से मौसम का मिजाज बदला है और आखिरकार भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिल गई है। IMD का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और आसपास के मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 6 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को भी दिल्ली में आंधी और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही 16 से 18 जून के दौरान काफी तेज बारिश होने का अनुमान है। 27 जून को दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है। इससे पहले मंगलवार को 13 दिनों के बाद अधिकतम तापमान 40 से कम रहा। वहीं दिल्ली में इस गर्मी के सीजन में 26 दिनों तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जो कि साल 2012 के बाद से सबसे अधिक है। उस दौरान 30 दिनों तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था। वहीं दिल्ली में आज यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंधी और बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा में मौसम साफ रहेगा। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार बुधवार की सुबह दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में 204 दर्ज हुआ है, नोएडा में 240 जबकि गुरुग्राम में 233 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।